लिखती हुई ग़ज़ल मख़दूम जैसे सहरा में रात फूलों की जैसे सहरा में रात फूलों की फिर छिड़ी रात बात फूलों की रात है या बारात फूलों की फिर छिड़ी रात बात फूलों की। वाकई हाज़रीन, ग़ज़ल से हमारा रिश्ता बेहद ख़ास है जो सदियों से चला आ रहा है। ग़ज़ल लिखने वाले शायर जहां याद किए जाते हैं, अपनी तसनीफ़ से अमर हो जाते हैं, वहीं अगर गुलकारों की बात की जाए तो गुलकार उन्हें ग़ज़लों को सुरों में ढालकर न सिर्फ अपनी आवाज़ को बल्कि उन ग़ज़लों को एक नई ज़िंदगी अता करते हैं और हम उन जज्बात और एहसास से बहुत खूबी से महसूस होते हैं। मोहज़्ज़ज़ ख़्वातीन हज़रात, आज की इस खूबसूरत और यादगार शाम की आखिरी ग़ज़ल आपके सामने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश होने जा रही है। अगर आप लोग पाँच मिनट, कुछ लोगों को शायद जल्दी है या कोई वक्त मुकर्रर है उनका, अगर वो बैठ जाएँ तो मुझे लगता है कि बहुत ही यादगार ये आखिरी नगमा यकीनन अपने साथ आप लेकर जाएँगे। हज़रात, हिंदुस्तानी सिनेमा ने, हिंदी सिनेमा ने बहुत कुछ दिया है, तारीख़ के साथ भी बहुत कुछ किया है और दो फिल्में, मुग़ले आज़म जो अनारकली पर बनी, उमराव जान जो उमराव पर बनी, तारीख़ के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से ना कभी अनारकली पैदा हुई ना कभी उमराव जान पैदा हुई, लेकिन ये सिनेमा का कमाल था कि अनारकली को भी अमर कर दिया। उमरा इम्तियाज़ अली ताज का एक प्ले था, 1910 में लिखा गया अनारकली, और मिर्ज़ा रुस्वा का पहला नावल था उमराव जान। ये नावलों के किरदार थे लेकिन फिल्म साजों ने जिंदा जावेद किरदार बना दिए और हम यकीन करने पे मजबूर हो गए कि अनारकली भी रही होगी, उमराव जान भी रही होगी। मिर्ज़ा हमारे मुजफ्फर अली ने इतना ज़बरदस्त काम किया है, एक एक बारीकी पे, बहुत मौसीकी पर, लिबास पर, मेकअप पे, कॉस्ट्यूम पे, और जिस तरह से मधुबाला सबसे हसीन नज़र आई मुग़ले आज़म में, वैसे ही रेखा सबसे हसीन नज़र आई तो उमराव जान में। वो अजीब सी एक कशिश थी, वो दो किरदार को जन्म देने वाली दो औरतें थी, वो जन्म दिया उन्होंने और कामयाब जन्म दिया। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सिनेमा में उनको। और अब एक ड्यूट की शक्ल में राधिका और सुदीप पेश कर रहे हैं आज की शाम मंसूब है जिस नाम से, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीन चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। आज की शाम की आखिरी हसीन तरीन पेशकश फिल्म उमराव जान। शाम ग़ज़ल की महफिल की खासियत ये है कि जैसे मैंने कहा पहले भी, मैं बम्बई से आया हूँ और बम्बई में ऐसी महफिलें नहीं होती और दिल्ली में भी शायद ही, दिल्ली में बहुत होती हैं। अच्छा, जब मैं गया था तब कम होती थी। दिल्ली में तो बहुत होती हैं, असली गज़ल सुनने वाले रहते ही दिल्ली में। दिल्ली में ही है गज़ल का मज़ा और गाने वाले, और बहुत मज़ा आता है। जब ही तो हम मुंबई नहीं गए। मुंबई रिकॉर्ड करने की जगह है और ये रियाज करने की जगह है। जी जी, हम रियाज में बिलीव करते हैं। बाकी बात ये लड़ाई इनकी जो कॉलेज से शुरू हुई थी वो अभी तक जारी हो सारी है और खुदा करे ये जारी रहे। जी बिल्कुल रहेगी। आप लोग के लिए छोटा सा शेर है कि हमारी बज़्म और उनकी बज़्म में बस फर्क है इतना, हमारी बज़्म और उनकी बज़्म में बस फर्क है इतना, वहां चिराग यहाँ दिल जलाए जाते हैं। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ज
जिंदगी जागी तेरी बाजू लाती है हमें ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें जिंदगी में लाती है हमें ये
हमें चांद से बेहतर नजर आती है हमें जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में। मौजूद ख्वातीन हजरात, आज की ये शाम जो यकीनन एक यादगार शाम है, आप तमाम हजरात ने जिस सुकून से सुना, लगता है कि गज़ल से मोहब्बत करने वालों की तादाद इस शहर में अभी बहुत ज़्यादा है। शाम गज़ल की कामयाबी है यह सुदीप की, राधिका जी की, इंदिरा जी की, हमारे मुज़क्क़रों की कामयाबी है। आप तमाम हजरात का बहुत 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 शुक्रिया कि आपने इस आज की शाम को यादगार और कामयाब बनाया। और हाजरीन, हम एक बार फिर इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मोहतरमा शांति हीरालाल, मोहतरमा शांति हीरानंद का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इंदर शर्मा जी का और इंदिरा वर्मा जी, एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया। सुदीप बैनर्जी, राधिका चोपड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत शाम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। आपका भी शुक्रिया रेशमा और अनीसा। और इसके अलावा उस्ताद गुलाम साबिर और मनोज नागर जी का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शाम गज़ल की महफिल का सिलसिला जो 42 साल से जारी सारी है, आइंदा सालों में भी जारी सारी रहेगा, इस तवक्को के साथ, इस खुशफहमी के साथ हम यहाँ से उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपकी हम लोग उसके तो शायद आपकी
सब लोगों को देख कर दीदी जस्ट गिव यू माई नंबर 4102322 जहाँ से सेंटर को पता है मेरा तो 4102322 नमस्कार.